खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के आगरा से। दरअसल लखनऊ से दिल्ली एक बस आ रही थी, आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर झरना नाले के खाई में ये बस गिर गई है। बस में तकरीबन 40 से 50 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो बस में अभी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। बेहद बड़ा यह हादसा, 40 से 50 लोग अभी बस में ही फंसे हुए हैं। ये बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो खबर है वो आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर है। झरना नाले के खाई में ये बस गिर गई है। तकरीबन 40 से 50 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए। तस्वीरें आ चुकी हैं एबीपी न्यूज के पास, आप देख सकते हैं एक नाला जिसमें ये तमाम लोग फंसे हुए हैं और जितने भी लोग हैं वो अब ऊपर के हिस्से में यात्री आ गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झरना नाले की खाई में ये बस गिर गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के झरना नाले की खाई में ये बस गिरी है। 40 से 50 लोग सवार हैं। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता से, मौके पर मौजूद है। पंकज, आप ग्राउंड जीरो पर सब कुछ देख रहे हैं, बस की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है हमारे, अपडेट दीजिए। देखिए कुमकुम, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। चारों तरफ भीभत्स नजारा है। ये लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ से अवध एक्सप्रेस की बस दिल्ली जा रही थी। करीब 60 लोग इसमें सवार थे, 60 लोग सवार थे और उसके बाद ये लखनऊ एक्सप्रेस पे जैसे ही आगरा से एंट्री की, उसके बाद झरना नाला एक नदी पड़ती है उसमें तेज गति से बस चल रही थी और उसके बाद ये पूरी नाले में समा गई। बताया जा रहा है तकरीबन इस पूरी बस में 60 से 65 सवारियां इसमें सवार थी और उसके बाद 20 से 25 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया है। लेकिन बस के अंदर जो यात्री थे, जो फंसे के फंसे रह गए, जिनकी मौत हो गई, उनको निकालने का रेस्क्यू चल रहा है और तमाम पुलिस के आला अधिकारी, खुद जिलाधिकारी मौके पर हैं। अभी एक दर्जन से अधिक बॉडियां उसके अंदर से बाहर निकाल ली गई हैं और बाकी अभी लोग बस के अंदर ही फंसे हुए हैं। और आगरा के एसएसपी बबलू कुमार और जिलाधिकारी पूरी नजर बनाए हुए हैं, यहाँ कमान संभाल ली और रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। हालांकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जी पंकज, आप ये कह रहे हैं कि 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और अभी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल, अभी सब उसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस में डबल डेकर की ये बस थी, ऊपर यात्री सो भी रहे थे और बच्चे भी मौजूद हैं उसके अंदर, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, महिला भी दिखाई दे रही हैं, तो सभी का निकालने का प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू जारी है। लेकिन अभी एक दर्जन के करीब बॉडियां बाहर निकाल ली गई हैं। जी जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू हो रहा है, क्या हम ये माने कि उनमें से कुछ लोग होंगे जो कि सुरक्षित होंगे, जिनकी सांसें चल रही होंगी? बस के अंदर जो भी मौजूद हैं वो एक भी सुरक्षित नहीं है, सभी की मौत हो चुकी है। जो लोग जीवित थे, जो इंजर्ड हुए थे, उन सभी को निकाल के अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन बस जो ऊपर से दबी है, बस उसके नीचे जो फंसे हुए हैं उनको जो चद्दर है उसकी काटने का, या क्रेन आ चुकी है, गैस कटर आ चुका है, काट के उन्हें निकाला जा रहा है। तो अंदर फंसे जीवित होने की कोई भी आशंका नहीं है। जी कुमकुम, पंकज जो बात आप बता रहे हैं वो सुनकर लगता है कि ये बहुत ही विभत्स, बहुत ही भयानक हादसा है। 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और आप ये बता रहे हैं कि अभी बच्चों और महिलाओं के अंदर दबे होने की आशंका है और उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। बिल्कुल कुमकुम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सप्रेस वे है वो काफी ऊंचाई पे है और जो नदी है वो कई फीट गहराई है उसकी, तो ऊपर से नीचे बस गिरी है। तो बचने का, जो घायल थे उनको तो निकाल ही लिया, लेकिन जो उसमें फंसे हुए हैं उनके जीवित की कोई भी आशंका नहीं है, क्योंकि वो इस कदर फंसे हुए हैं और काफी समय बीत गया, लगभग 5 बजे की खबर है और इस समय 6:30 से अधिक का समय हो रहा है, तो बचने का कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भगवान का अगर थोड़ा सा भी कृपा रहे तो हो सकता है। पंकज, ये बताइए कि ये हादसा हुआ कैसे? पंकज गुप्ता, आप इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, कैसे ये बस इस खाई में गिर गई? आराम से बस ऊपर चल रही होगी और बस में यात्री इतने ज्यादा सवार थे तो ड्राइवर ने क्या एहतियात नहीं बरती? देखो, प्रथम दृष्टया लगता है कि सुबह का वक्त था, तो हो सकता है ड्राइवर को झपकी आई हुई और यमुना एक्सप्रेस पर तेज गति से बस चल रही थी और इसके कारण जो अंडरपास बना हुआ है उस नदी का, उस अंडरपास से छलांग लगाते हुए नीचे नदी में समा गई। और इसमें 60 सवारियां बताई जा रही थी, इसमें कुछ 20 से 25 अधिक सवारियां घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भेज दिया इलाज के लिए। बाकी सभी जो सब फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का रेस्क्यू जारी है। जी कुमकुम, घायलों की हालत कैसी है पंकज? घायलों को अभी यहाँ से अस्पताल भेज दिया है, घायल
काफी इंजर्ड हैं, लेकिन अभी उनकी यहाँ जानकारी नहीं मिल पा रही है, अस्पताल सीधा भेज दिया है और जिलाधिकारी ने अस्पताल में दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी का अच्छे से अच्छे इलाज हो, कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और सभी को इलाज मिल रहा है, डॉक्टरों की टीम लगा दी गई है। लेकिन मौके पर विवश नजारा है, चारों तरफ से रोड जो लखनऊ यमुना एक्सप्रेस वे है वो पूरा रोक दिया गया है और ये पूरी घटना आगरा थाना इत्मादपुर इलाके के छलेसर इलाके में हुई है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, आप नजर बनाए रखे। बेहद विभत्स हादसा आज सुबह सुबह की एक खबर है, सुबह 5 बजे ये हादसा हुआ है। 60 लोग बस में सवार थे, माना ये जा रहा है कि 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और अभी कई शव अंदर दबे हुए हैं। गैस कटर से उस पूरी बस के छत को काटा जा रहा है और जो शव निकाले जा रहे हैं उनमें से कई महिलाओं और बच्चों के भी हैं।